कल हुए दूसरे चरण के मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। दुर्ग जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा तथा पाटन के ईवीएम के लिए भिलाई के शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां अर्धसैनिक बल के जवानों को ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। साथ ही सीसीटीवी को भी निगरानी की जा रही है। दुर्ग के उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे ने बताया कि ईवीएम को विधानसभा वार स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए जिला पुलिस बल के अलावा सशस्त्र बल तथा बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। दुर्ग जिले में 6 विधानसभाएं और 2 आंशिक विधानसभाओं के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ और जो मतदान का प्रतिशत है वो हमारे जिले में 71.59% रहा। मतदान की समाप्ति के उपरांत मतदान दल भी सकुशल वापस लौट आए और मशीनों को जो है विधानसभावार स्ट्रांग रूम में पोल ईवीएम को और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सील कर दिया गया है। स्क्रूटनी का कार्य भी आज संपन्न हो गया है। अब स्क्रूटनी के पश्चात जो परिनियत लिफाफे और गैर सांविधिक दस्तावेज हैं उन्हें पास के ही दूसरे कमरे में स्ट्रांग रूम में सीलबंद किया जाएगा। कितनी सुरक्षा को लेकर किस तरह से यहाँ पे की है, किस तरह की सुरक्षा लगी गई है? यहाँ पर जिला पुलिस बल, जिला पुलिस सशस्त्र बल और बीएसएफ की टुकड़ी आई हुई है। 3 लेयर की सिक्योरिटी है और आज की सीलिंग के बाद जो है जिला निर्वाचन अधिकारी ही जा सकेंगे, लेकिन इनर कॉर्डन में तो कोई नहीं जा सकेगा। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के 811 मतदान केंद्रों के ईवीएम जिले के स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, जहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे बल तैनात रहेगा। इसके अलावा सीसीटीवी से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। रात को लेट तक पहुंचे हैं ईवीएम, हम लोगों ने सुबह 6:30 बजे सभी को व्यवस्थित करके स्ट्रांग रूम कैंडिडेट्स और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में सील कर दिए गए हैं। अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी है। जो स्ट्रांग रूम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएसबी की टीम है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देखने के लिए। तो अंदर एंट्री जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। वीडियो कैमरा की उपस्थिति में ही जो आपका इंस्पेक्शन होगा वो किया जाएगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्ट्रांग रूम की बाहर में बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि वो लोग भी अपनी मशीनों के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए हैं और चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को मतों की गणना के बाद घोषित किए जाएंगे।